हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले टेक महिंद्रा पे। गाइस देखिए, टेक महिंद्रा में हैवी फॉलिंग चल रही है, 2.5% तक गिर चुका है ये स्टॉक आज के दिन। गाइस टेक्निकल वी के अकॉर्डिंगली बेयरिश ट्रेंड है, ठीक है, नो डाउट। अपने मूविंग आप कह सकते हो जो 22 एंड 55 मूविंग एवरेज के नीचे अभी ये ट्रेड कर रहा है। गाइस मैं आप लोगों को इतना ही बोलूंगी, अगर अगेन हमें इसके अंदर फॉलिंग देखने को मिलती है तो गाइस जो इसका एक नीचे का सो सपोर्ट लेवल रहेगा वो 942 का रहेगा, जो कि आप देख रहे हो कि कई बार ये यहाँ पर आया है। और वहीं एक सपोर्ट मैं बता सकती हूँ आपको, एक सपोर्ट लेवल जो इस वाली कैंडल का 971 का रह सकता है। गाइस बाकी इस वाले जोन पे भी कितनी बार ये आया है, देखिए अभी भी इस जोन पे ये आ चुका है 999 वाले जोन पे। वहीं अगर आप रेजिस्टेंस लेवल की बात करोगे, एक रेजिस्टेंस वन लेवल रहेगा इसका 1116 का, एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा गाइस 1161 का। मतलब मैं आपको इतना बता दूं, 1100 से लेकर मतलब 1150 तक का एक रेंज लेवल रह सकता है इसके अंदर एक नया ब्रेकआउट, एक नया मोमेंटम देखने के लिए। बट अगर अगेन हमें फॉल देखने को मिलता है तो गाइस जैसे कि अभी ये जो ट्रेड कर रहा है 986 पे, तो गाइस हमें ये 960 और 920 तक जाता हुआ हैवी फॉल में देखने को मिल सकता है। सो गाइस पोजीशन है तो अभी थोड़ा होल्ड करके चलें। अगर आप लोगों ने फ्यूचर का पुट सेल किया होगा तो काफ़ी लोगों को इसमें प्रॉफिट भी हुआ होगा, उन्होंने अपना प्रॉफिट भी बुक कर लिया होगा। बट अगर आप लोगों को एंट्री लेनी है तो गाइस थोड़ा वेट कर लें, 950 तक या 970 तक भी ये स्टॉक अगर आता है तो आप इसके अंदर फ्रेश बाइंग करके चल सकते हैं। बाकी गाइस कोई रिकमेंडेशन इन्फ्लुएंस नहीं है, स्टडी पर्पज से ये वीडियो है। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।